हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमारी एक व्यूअर है याशिका, इनका कमेंट आया हुआ है मल्टीपल लेजर्स के बारे में बताइए, मल्टीपल लेजर्स के क्या फायदे हैं और हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो देखिए, मल्टीपल लेजर्स एक बार बनाएंगे आप और एक ही बार में सारे लेजर्स वहीं पर आप क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ से टैली आरपी 9 को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कोई भी वाउचर में हमने एंट्री करी नहीं है, हमें मल्टीपल लेजर्स बनाना है। तो सबसे पहले अकाउंट इन्फो पे जाएंगे और यहाँ से लेजर्स पे जाएंगे। तो लेजर्स में दो कैटेगरी बनी हुई है, एक सिंगल लेजर एक मल्टीपल लेजर। इस बार हम मल्टीपल लेजर की बात करेंगे। क्रिएट पर जाने के लिए आर प्रेस कर देंगे, क्रिएट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अंडर ग्रुप आ रहा है, अंडर ग्रुप में ऑल आइटम्स आपको दिख रहा है और बहुत सारे ग्रुप्स आपको नीचे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप किसी क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। अगर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप चूज कर लेना है। तो एस प्रेस कीजिए और आ जाइए सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप पे, उसको चूज कर लीजिए। अब यहां पर मान लीजिए कि 8-10 क्रेडिटर पार्टियों का आपको लेजर क्रिएट करना है। तो क्रेडिटर पार्टियों का नाम दीजिए, जैसे मान लीजिए राम, और आगे सी लिख देता हूं जानकारी के लिए ताकि पता चलता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी है। तो यहाँ राम और सी, ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर में डाल दिया। फिर यहां पर दूसरा श्याम, सी लिख देंगे आगे, एंटर प्रेस करेंगे, मनोज से लिख करके एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए चार क्रेडिटर पार्टियों का लेजर हमने क्रिएट किया है। ठीक है, अब एंटर प्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लिया, ये बन गया आपका क्रेडिटर पार्टी का लेजर। ठीक है, अगर आपको डेटर पार्टी का भी बनाना है तो आप फिर आर प्रेस कीजिए। आर प्रेस करने के बाद यहां पर संडे डेटर चूज कीजिए, एस डेटर चूज कर लिया, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर डेटर पार्टियों का लेजर बनाएंगे, जैसे फातिमा FATIMA, ठीक है, डी लिख दीजिए आगे ताकि पता चलता रहे कि ये डेटर पार्टी है। फिर यहां पे राधा RADHA, डी लिख दीजिए आगे ताकि ये पता चलता रहे। ठीक है, अब आगे फिर और भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, आप इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ये हमारी डेटर्स पार्टियां हैं। ठीक है, और भी चाहे तो और भी डेटर्स पार्टियों का लेजर हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन्डी डेटर चूज कर लीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, यहाँ पर आ जाइए सन्डी डेटर वाले ग्रुप में। तो ये डेटर्स है, एंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पर हम और भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया गौरव, तो ये हो गया गौरव, एंटरप्रेस किया, ये डेटर्स पार्टी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं अवनीश, तो ये अवनीश भी डेटर पार्टी हो जाएगी, अवनीश। ठीक है, आगे डी लिख देंगे ताकि ये पता चलता रहे कि ये डेटर पार्टी ही है। ठीक है, यहाँ पर भी डी कर देते हैं, छूट गया है। तो यहाँ पर दो पार्टियां और भी हमने डेटर्स पार्टियां बना ली हैं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कैपिटल अकाउंट का भी लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पर अभी तक हम संडी डेटर क्रिएटर चूज करते रहे। अगर मान लीजिए आपको एक साथ बहुत सारे लेजर्स बनाने हो तो आप ऑल आइटम्स चूज कर लें। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है, तो यहाँ पर कैपिटल लिखिए, कैपिटल क्या। अब यहाँ पर ग्रुप चूज करना है आपको, तो ऑल आइटम्स आपने चूज कर रखा है तो इसमें सारे ग्रुप्स आपको नजर आएंगे। सी प्रेस कीजिए, कैपिटल अकाउंट आपको दिख जाएगा, एंटर प्रेस कीजिए, ये कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए कैपिटल अकाउंट बना लिया आपने, आपको सैलरी अगर पेड करनी है तो सैलरी का भी बना सकते हैं। तो यहाँ सैलरी लिखा आपने, सैलरी, ठीक है, एंटर प्रेस किया, और सैलरी किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, तो ये सैलरी भी यहाँ पे आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दीजिए इसको। ठीक है, इसी तरह से और भी आपको बनाना हो तो और भी चाहे तो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए SBI का लेजर बनाना हो, SBI बैंक अकाउंट, ये SBI लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया, ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट में। तो बी प्रेस कीजिए, अंडर बैंक अकाउंट आ जाएगा, ये बी यहाँ आ गया है, पहले ही ऊपर दिख रहा था, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि करंट लाइबिलिटी जो है इसके लिए आप लेजर बनाना चाहते हो, ठीक है, जैसे होंडा, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और ये जो है करंट लाइबिलिटीज में इसको डाल देंगे हम, क्योंकि अगर हम कोई माल उधार जब बेचते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, उसे हमें लेना होता है अगले पार्टी से, तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, तो इसे हम करंट लाइबिलिटी में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ करंट लाइबिलिटी कर देते हैं, एंटरप्रेस करते हैं, और फिर अगर और भी कोई लेजर इस तरह का बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, एंटरप्रेस करके। मैं इतना ही रखता हूँ, एक्सेप्ट करा लेता हूँ। ठीक है, अब बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको काम करना है तो अकाउंटिंग वाउचर में जा सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद सबसे पहला हमें काम क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में आने के लिए आपको F6 प्रेस करना है या यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं। अभी हम हैं सिंगल एंट्री मोड में। अब डबल एंट्री मोड में जाने के लिए हमको क्या करना है, कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी है। यहाँ से F12 की प्रेस कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप सिंगल एंट्री मोड इनेबल है, इसको नो कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से डेबिट क्रेडिट ऑप्शन चालू कर दीजिए, कंट्रोल A प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट आने लगा है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाना है आपको, सी प्रेस कीजिए। देखिए हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो ये आ गया। अब कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने इन्वेस्ट किया
1,00,000 रुपए, ठीक है, 1,00,000 डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है लेकिन हमको यहाँ चाहिए डेबिट, तो डीआर यहाँ पे लिख दीजिए, हाथ से टाइप कर दीजिए डीआर, तो यहाँ डेबिट वाला ऑप्शन आने लगेगा, ठीक है। अब आपने कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर दिया तो कैश को यहाँ से डेबिट करेंगे, तो कंपनी में आप कैश लगा रहे हो, यहाँ पे कैश डाल दिया हमने 1,00,000 रुपए यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ नरेशन डाल सकते हैं, एंटरप्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे, ये हमारी कंपनी में पैसा रिसीव हो गया। अब हमको परचेजिंग करनी है, परचेजिंग करने के लिए कहाँ जाना है, परचेजिंग करने के लिए हमको जाना है परचेज वाउचर में, F9 प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है, तो यहाँ 5,000 इनवॉइस नंबर डाल दिया हमने सप्लायर का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इनवॉइस नंबर प्रिंट होकर नहीं आता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, अगर इनवॉइस नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं आप, तो आप कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, F12 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे प्रिंटिंग के कॉन्फिग्रेशन पे, पी प्रेस करेंगे, और फिर अगर परचेज का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यू प्रेस कर लीजिए, आप आ जाएंगे यहाँ पर, एंटर प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट वाउचर रेफरेंस ये दिया हुआ है, इसको आपको यस रखना है। अगर ये यस रहेगा तो आपका जो रेफरेंस नंबर है वो भी प्रिंट होकर आएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो चलिए, अब अगर डिस्पैच की डिटेल भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी दे सकते हैं, फिलहाल हमें नहीं देना है, यहीं तक हम रखेंगे। अब बाहर आते हैं, यहाँ पर अब हमें एंट्री पास करनी है, तो वी प्रेस करता हूँ, परचेज वाउचर में आ जाते हैं, 5,000 नंबर का रेफरेंस नंबर था हमारा। और यहाँ पर अब डेटर पार्टी का लेजर आएगा कि क्रेडिटर पार्टी का आएगा, बताओ, क्रेडिटर पार्टी, तो कोई भी एक क्रेडिटर पार्टी जिस जो यहाँ पे हम देना चाहते हो दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे मनोज सी, ठीक है, एंटर प्रेस किया, इनकी पूरी डिटेल फिल कर लीजिए। यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा लेकिन हमने नहीं बनाया, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके बना सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, ये लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया, ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में, पी प्रेस कीजिए, ये परचेज अकाउंट कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आइटम्स की लिस्ट बनानी है हमें, ठीक है। अब आइटम्स की लिस्ट कैसे बनाएंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, जो भी आइटम आपको देना हो, जैसे मान लीजिए हमने कीबोर्ड दे दिया, तो कीबोर्ड यहाँ पे लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे प्राइमरी आ रहा है और यहाँ पे यूनिट आ रहा है, तो इसको प्राइमरी में डाल करके यूनिट बना लेते हैं। आइटम आईटीएम कर देता हूँ, ये सिंबल है, और यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड आ रहा है, तो यहाँ पैक पैकेट्स कुछ भी कर सकते हैं हम, पीसेस, ठीक है, तो यहाँ पे पीसेस कर देता हूँ मैं। अब कीबोर्ड ऐसा तो है नहीं कि आधे में कोई लेके जाएगा, तो यहाँ पे जीरो रखा है हमने। और अल्टरनेट अलग से अगर हर आइटम पे जीएसटी देना चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स का, ठीक है। यहाँ पर यूनिट आइटम रखेंगे और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पर आएंगे, अगर कोई डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिखना चाहें कि ये कीबोर्ड है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड, चूंकि इनपुट डिवाइस होती है तो यहाँ लिख दिया मैंने इनपुट डिवाइस, ये लिख दिया हमने। और एंटरप्रेस करेंगे और एंटरप्रेस करके यहाँ पर क्वांटिटी दे देंगे, 500 क्वांटिटी हम परचेस कर रहे हैं और एक क्वांटिटी कीमत हमें पड़ रही है 60 रुपए, ठीक है, तो ये हमने दे दिया और एंटरप्रेस किया। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें जीएसटी लगाना है, ठीक है, जीएसटी लगाएंगे कैसे, सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा हमें। सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों लगता है, क्योंकि हम अपने ही सेम राज्य में माल बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम सीजीएसटी या एसजीएसटी लगाते हैं, और अगर डिफरेंट स्टेट हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम आईजीएसटी ही केवल लगाएंगे। तो यहां पे सीजीएसटी करता हूं, सीजीएसटी किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, या डी प्रेस कीजिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगा, यहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहां पर जीएसटी करिए, ठीक है, और यहां हो जाएगा सेंट्रल टैक्स, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, यहां नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, तो उसके हिसाब से यहां जीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया। फिर यहां पर एसजीएसटी हमने बनाया नहीं, तो अल्ट सी प्रेस करके एसजीएसटी भी बना लेते हैं, तो यहाँ एसजीएसटी कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ डी प्रेस करेंगे तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ जाएगा, और यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस करके इसको जीएसटी कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और ये होगा स्टेट टैक्स, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों कैलकुलेट होकर आ गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं डिफरेंट राज्य में माल खरीदना या बेचना, तो उसके लिए आप आईजीएसटी का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आईजीएसटी भी लिख सकते हैं, ये आईजीएसटी करके तब लिख सकते हैं आप, ठीक है, बना सकते हैं सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के अब इसको एक्सेप्ट करा लेना है, यहाँ पर न्यू रेफरेंस करेंगे हम, एक्सेप्ट करा लेंगे इसको, ठीक है। कि आपको इसको देखना हो तो दो बार डी प्रेस कीजिए, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से ये परचेज वाला था हमारा, और टैक्स एनालिसिस हमें करना है, तो अल्ट के साथ ए प्रेस कर दीजिए पहले, ये टैक्स एनालिसिस की रिपोर्ट आ गई, ठीक है।
और अल्ट के साथ ये प्रेस करने के बाद अल्ट के साथ F1 प्रेस कीजिएगा तो पूरा टैक्स एनालिसिस यहाँ पे 99% के हिसाब से हमने लगाया था 18%, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई और स्टॉक आइटम है जिस पर हम अलग से टैक्स दें, तो यहाँ वी प्रेस कर लीजिए और फिर यहाँ पर 4000 यहाँ पे दे दीजिए नंबर, ये दे दिया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर हमको मनोज लेना है, मनोज क्रेडिटर, तो ये मनोज क्रेडिटर कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करके यहाँ पर आ जाएंगे, परचेज अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि माउस का भी स्टॉक आइटम अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमने बना रखा है पहले से, तो ये ले लिया हमने, और मान लीजिए कि 500 या 600 माउस का स्टॉक आइटम हम परचेज कर रहे हैं और एक की कीमत हमें 50 रुपए पड़ रही है, तो एंटर प्रेस किया, ये आ गए। अब मान लीजिए कि यूएसबी के 50 आइटम हम परचेज कर रहे हैं और एक की कीमत हमें पड़ रही है 40 रुपए। ठीक है, तो 40 रुपए के हिसाब से यहाँ आ गया यूएसबी का। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसी तरह से एक और स्टॉक आइटम परचेस कर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये स्टॉक आइटम हम परचेस कर रहे हैं, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आइटम रखेंगे और यहाँ नॉट एप्लीकेबल यूनिट को आइटम रखेंगे और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करते हुए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अलग से टैक्स रेट देना चाहते हैं, तो 99% के हिसाब से आपको याद है लगाया था हमने, तो वाई प्रेस कर देता हूँ, अलग से टैक्स रेट सेट करेंगे। ये क्या है, थंब ड्राइव है, तो यहाँ पर लिखता हूँ थंब ड्राइव, DRIVE, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर HSN कोड डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। यहाँ पर ऑन वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑन वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर आएंगे तो टैक्सेबल रखेंगे, और यहाँ पर कितना टैक्स लगाना है जरा सोच लीजिए आप। जैसे मान लीजिए 28% का टैक्स हम लगा रहे हैं, तो 14% के हिसाब से डिवाइड हो गया, ये गुड्स है, एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे, ये आ गए थंब ड्राइव पे। तो मान लीजिए 40 थंब ड्राइव हम परचेस कर रहे हैं और एक ही कीमत हमें पड़ रही है 600 रुपए, ठीक है, मान लीजिए, तो ये आ गया। अब यहाँ पर हम लगाते हैं अगर CGST SGST, तो ये CGST भी कैलकुलेट हो गया और SGST भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया, अब हमको इसको एक्सेप्ट करा लेना है, ये न्यू रेफरेंस करके इसको हमने एक्सेप्ट कराया। अब चलते हैं डिस्प्ले में, यहाँ से डिस्प्ले में आ जाएंगे, दो बार डिप्रेस करेंगे डिस्प्ले में आ जाएंगे, और ये हमारा जो हमने बनाया था वो है। अब यहाँ से अल्ट के साथ ए प्रेस कीजिए, फिर अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 14% के हिसाब से टैक्स रेट लगा हुआ है, तो आप डिफरेंट टैक्स रेट भी सेट करिए और दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मल्टीपल लेजर्स वाली वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी, इसमें टैक्सेशन से संबंधित भी मैंने कुछ बताया है। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।